नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई सा बिल होता है हम कैसे पे कर सकते हैं गूगल पे पे। तो ये देख सकते हैं कि मेरे सामने गूगल पे ओपन हो चुका है। आप सबके पास भी गूगल पे होगा, बहुत सारे लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, कुछ फ़ोनपे करते हैं, बट सब पे एक सिंपल सा मेथड होता है। यहाँ पे गूगल पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी और सेल्फ ट्रांसफर। तो इस पे आप बैंक से भी ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। तो आज हम बात करेंगे बिल पेमेंट पे। तो हम बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अलग अलग आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड मोबाइल, डीटीएच, फास्टैग रिचार्ज, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड का रिचार्ज, आपका गैस पाइपलाइन है उसका रिचार्ज, और भी बहुत सारे लोन रिप्लेमेंट, और भी बहुत सारे इसके अंदर आपको इंश्योरेंस, वाटर बिल सबका मिल जाएगा। तो इसमें हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी पे हम इसको क्लिक करेंगे। आज हम बनने वाले हैं दिल्ली का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग है, ये अदानी लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी, अजमेर, ये तरह से असम पावर, अलग अलग स्टेट का बीएसटी, वेस्ट मुंबई, अलग अलग ऐसे करके बहुत सारे इनके नाम है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपना जो स्टेट है वहाँ के जो आपके एरिया का जो होगा पावर ट्रैक्टर उस पर हम जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो है, टाटा पावर DDL और एक है टाटा पावर मुंबई। तो अभी हम आएंगे इसके और नीचे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आ रहा है टाटा पावर DDL, तो ये दिल्ली के अंदर पूरा यूज़ होता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, जो नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं दिल्ली के उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जैसे हम करते हैं तो एक पेज ओपन होगा, नोट अकाउंट लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, या फिर आपका अकाउंट लिंक होगा तो यहाँ पे जाके लिंक अकाउंट यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको एक उस पर CA नंबर लिखा होता है, वो CA नंबर क्या होता है बताता हूँ आप दोस्तों। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से आप देख रहे हैं तो आपने देखा होगा साइड में इस तरह के यहाँ पे एक ऊपर CA नंबर, यहाँ आप देख सकते हैं CA नंबर, ये CA नंबर दिया हुआ है। और ये जो CA नंबर होता है ये आपको डालना पड़ता है, क्योंकि इसके डालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका बिल कहाँ से और क्या है क्या नहीं है। तो आगे बात करते हैं कार्ड। तो दोस्तों CA नंबर इसमें हम डालते हैं, डाल के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। CA नंबर और अकाउंट नेम डाल के मैं मिलता हूँ। अकाउंट नेम में दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो है अपना जो आपके नाम पे अकाउंट या जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसके नाम पे उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना, ये ऑप्शनल रहता है वैसे, बट नाम लिख देंगे तो ईजी रहेगा। तो यहाँ पे हम CA नंबर मिलते हैं आपसे फिर बात। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे CA नंबर डाल दिया है अपना, और यहाँ पे अकाउंट नेम, आपका अकाउंट नेम नहीं पता है, आपकी मर्जी है, डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। तो यहाँ फिर से मैं यहाँ पे CA नंबर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे CA नंबर डाल दिया, और यहाँ पे दोस्तों एक अकाउंट नेम आ रहा है, यहाँ पे एग्जांपल होम और ऑप्शन लिखा होता है। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। तो अगर मुझे नाम नहीं डालना है तो मैं यहाँ सीधा इस पर ये कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ये फिर ये आपके स्पीड पर डिपेंड करेगा, और इस तरह से आपका आ जाएगा कि भैया ये रहा इसके नाम पे है, ये CA नंबर है, ये टाटा पावर इसका ये जो नेम है और उसका कब है, और यहाँ पे लिंक अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका बिल आ चुका है। अब ये आपका पे बिल या फिर बिल डिटेल्स, आपको बिल डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मार्च बिल डेट था, और 3 मार्च 2020 को इसका लास्ट ड्यू डेट है, और ये इसके नाम पे है बिल नंबर ये रहा। तो आप इससे भी कर सकते हो, और इसको फिर बैक कर लेता हूँ मैं। अभी वहाँ दिखा रहा था नॉट पेड का स्टेटस भी दिखा रहा था। तो यहाँ पे जैसे मैं पे बिल का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो ये बिल आपको ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। और दोस्तों इसकी एक अच्छी खास बात है गूगल पे की, कि आप इसको रिमाइंड, ये जब भी आपका बिल का टाइम होगा ना, और जब भी आपका बिल आ जाएगा तो आपको रिमाइंडर आ जाता है कि आपका बिल इतना आया हुआ है और इतना आपको पे करना है इतनी तारीख तक। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा पे बिल पे, प्रोसीड टू पेड होने के बाद। इसके बाद का तो प्रोसेस आपको पता है, बहुत लोगों ने गूगल पे का यूज़ किया, मेरा अभी बैंक प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि बताया मैंने आपको, इसका सर्वर काम नहीं कर रहा है बैंक का हमारे, तो इसी वजह से हो नहीं रहा है। तो बस आपको वहाँ पे जस्ट आपको पे पे क्लिक करना है, फिर आपका जो गूगल का 4 डिजिट का पिन या 6 डिजिट जो भी पिन आप डालते हैं वो डाल के कंटिन्यू कर देना, और आपका बिल पे हो जाएगा। बट बिल पे होने के लिए ऑनलाइन कर रहे तो आपको करीबन 1 से 2 दिन लग जाते हैं बिल को पहुँचते, बट घबराने की बात नहीं है इस चीज़ में दोस्तों, क्योंकि बिल जो है वो वहाँ पे आपको पेड दिखाएगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इसके नहीं देने पड़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।